हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1.4 रेवती इज म्यूजिकल प्लांट, ये चैप्टर के मैं आज आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये पोएम में इंट्रोडक्शन दिया है, क्या बताया गया है वो देख लीजिए आप, मैं आपको फटाफट दिखाऊंगा, बस आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर आंसर्स विद द क्लास। तो जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स इधर दिए हैं मैंने, आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए आप। फोर्थ क्वेश्चन का भी देख लीजिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स हमारा, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, तो ये सेंटेंसेस को बताना है। ओके, तो आंसर दिया है आप देख लीजिए। अभी फ्रेंड्स इधर क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। तो पैसेज पढ़ना है और ये एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो आंसर हमने अंडरलाइन किया है वो आपका आंसर है, देख लीजिए आंसर डायरेक्टली दी गई है और ये आपका पैसेज है, देख लीजिए। अभी पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म होगा, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। और ये ग्लॉसरी है यानी कि वर्ड्स के मीनिंग्स। तो अभी क्वेश्चन 1 है हमारा कंप्लीट दी फॉलोइंग, ये आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस। आंसर जो अंडरलाइन किया है वो है, तो इधर देख सकते हो आंसर्स आर अंडरलाइन डायरेक्टली, तो जो अंडरलाइन किया है वो आपका आंसर है। ओके, देख लीजिए आप इसे। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन 2 देख लीजिए आप। क्वेश्चन 2 जो है, व्हाट डिड रेवती डिस्कवर्ड अबाउट हर बाल्सम प्लांट्स, उसका आंसर देख लीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी है। तो फर्स्ट है ऐड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू द मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, तो देख लीजिए आपका आंसर दिया है इधर। ये दो वर्ड को आपको प्रीफिक्स ऐड करना है, कंटिन्यू को डिसकंटिन्यू, पॉसिबल का इम्पॉसिबल। ओके, सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा, यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन, ये भी देख लीजिए आपको, ये जो आपको एक्सप्रेशन से यूज करना है सेंटेंस के अंदर, तो जो ये आपका डॉट के बाद आपका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी तो देख सकते हो आप, एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। तो फर्स्ट है शी रिमेंबर शी हैड लर्नड इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, पिक आउट द वर्ब्स एंड स्टेट देयर टेंसेस, तो यहाँ इसका आंसर देख लीजिए आप। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ लीजिए और उसका भी आंसर देख लीजिए। अभी इधर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, इफ सो व्हाट टाइप, तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप। अभी सेकेंड पैसेज चालू हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट है हमारा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो ये जो सेंटेंसेस है हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, देख लीजिए आप, आंसर्स भी दिए हैं उसके इधर, होप सो आपको आंसर दिख रहे हैं। ओके, अभी ये पैसेज देख लीजिए आपका, सेकंड पैसेज आपका इधर से चालू होगा और इधर खत्म होगा और उसके बीच में जो भी वर्ड्स के मीनिंग्स आए हैं वो इधर दिए गए हैं, देख लीजिए आप पूरे आंसर्स। तो देख लीजिए सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये देख लीजिए आंसर डायरेक्टली दिया है अंडरलाइन वाला। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया है, पढ़ लीजिए आप ए वाला और अभी बी वाला देख लीजिए, बी वाला क्वेश्चन का आंसर दिया गया, देख लीजिए सी वाले क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी आंसर देख लीजिए आप, क्वेश्चन और आंसर दिए हैं आपको। क्वेश्चन 3 है एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, फर्स्ट ऐड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट मीनिंग,
तो ये चार वर्ड्स को आपको प्रीफिक्स ऐड करना है और उनको अपोजिट बनाना है। इनके आंसर देख लीजिए आप। ओके और अभी क्वेश्चन टू है, यूज द एक्सप्रेशन टू सरमाइज टू मेक अ सेंटेंस ऑफ योर। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है टू सरमाइज, इसे टू सरमाइज को आपको समझना है और सेंटेंस में यूज करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, हमने सेंटेंस में यूज किया है। तो अभी दोस्तों पिक आउट द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये दो सेंटेंसेस में कंजक्शन फाइंड आउट करना है, उसका आंसर देख लीजिए आप। अभी आप पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डिड रेवती डिसाइडेड टू कीप हर न्यू नॉलेज अ सीक्रेट, इसका आंसर देख लीजिए आप। और अभी क्वेश्चन थ्री है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। तो ये पैसेज पढ़ना और एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट द टेबल एंड राइट हु सेड द गिवन वर्ड्स एंड टू हूम, वो आपको बताना है। ओके ये वाले टेबल की बात हो रही थी, ये वर्ड्स है, किसने बोला किसको बोला वो हमने लिख दिया है, कंप्लीट किया है। जो अंडरलाइन किया है वो आपका आंसर है। अभी आपका पैसेज तीन फ्रेंड्स यहाँ से चालू होगा और यहाँ ख़त्म होगा। ओके और जो भी वर्ड्स के मीनिंग्स आए थे वो दिए गए हैं। ओके तो ए टू जो है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा गिव रीजन है, उसका भी आंसर देख लीजिए आप। और फ्रेंड्स हमारा अभी फर्स्ट है एक्टिविटी ए थ्री है हमारा एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। तो फर्स्ट है ऐड द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। तो तीन वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें प्रीफिक्स ऐड करना है और अपोजिट बनाना है मीनिंग्स के अंदर। ये देख लीजिए आप फ्रेंड्स, तीनों का आंसर प्रीफिक्स ऐड करने से वो अपोजिट बन जाएंगे। ओके जैसे कि प्लेस मिसप्लेस। सेकंड है यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो ये तीन जो है हमें ये एक्सप्रेशंस जो दिए हैं ब्लैक कलर में हाईलाइट किए हुए, ये एक्सप्रेशंस को हमें यूज कर अपने सेंटेंसेस में यूज करना है समझ कर। ओके आंसर देख लीजिए आप उसका, डायरेक्टली दिए गए हैं उसके भी आंसर। और एक्टिविटी फोर जो है हमारी वो है एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल ग्रामर। तो पंचुएट द सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया है इसके अंदर पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए हमने लगाया है। और अभी जो है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के अंदर हमें नाउन जो जो है अंडरलाइन करने हैं। ओके तो हमने इधर आंसर में अंडरलाइन किया है, देख लीजिए आप। अभी जो है आपका वो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो वॉट वुड यू हैव बीन यू और रिएक्शन इफ यू हैड बीन इन रेवतीज प्लेस एंड सीन समवन एल्स नेम ऑन योर पॉट ऑफ प्लांट, वॉट वुड यू हैव डन। तो इसका आंसर आप देख लीजिए इधर से इधर तक है पूरा। क्वेश्चन नंबर फोर है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलो सेंटेंसेस। ओके कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस इन द पैसेज। तो इधर चार सेंटेंसेस दिए हैं, तो कौन सा सेंटेंस पहले हैपन हुआ, कौन सी घटना पहले हुई, उसके हिसाब से आपको इन्हें करना है अरेंज। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, पहले तीसरा वाला सेंटेंस आएगा, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड। अभी पैसेज फोर आपका यहाँ से चालू होगा और इधर ख़त्म हो जाएगा आपके टेक्स्ट बुक से, आपको देखना है। और ये वर्ड्स के मीनिंग्स जो इस पैसेज में आए थे हार्ड वर्ड्स के। तो क्वेश्चन वन है गिव रीजन, तो इसका आंसर देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर, सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन थ्री है जो हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग है, आंसर आपको डायरेक्टली दी गए हैं फर्स्ट सेकंड का। जो सेंटेंस इधर आपको हाफ पूछा गया है और आगे बिकॉज के आगे आपको लिखना है, तो वो आप देख लीजिए, दो आंसर डायरेक्टली अंडरलाइन करके दिए गए हैं आपको। और क्वेश्चन फोर है, हाउ डिड रेवती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर, इसका आंसर देख लीजिए आप। ओके और एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, फर्स्ट है राइट द नाउन्स फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो चार वर्ड्स दिए इनके नाउन फॉर्म में करना है, इनका आंसर देख लीजिए आप।
ओके क्वेश्चन सेकंड है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये चार वर्ड्स के आपको एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखना है, इसका आंसर भी देख लीजिए। एक्टिविटी फोर है एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर। फर्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इधर सेंटेंस दिया है, इसके अंदर जो भी एडवर्ब्स आएंगे वो अंडरलाइन करना है। तो आंसर देख लीजिए, इसके अंदर एडवर्ब्स को हमने अंडरलाइन किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस है, इसके अंदर जो भी कंजक्शन आएंगे अंडरलाइन करना है। ये आंसर देख लीजिए आप। ओके और अभी एक्टिविटी जो फाइव है वो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्स। तो ये क्वेश्चन पढ़कर आंसर देख लीजिए आप उसका, क्वेश्चन और आंसर। अभी हम आ गए हैं वोकैबुलरी वाले पार्ट में। तो कंप्लीट द वर्ड चेन एडिंग फोर नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपके जो टेक्स्ट बुक का जो लेसन है, जो रेवती म्यूजिकल प्लांट, इस लेसन के अंदर आपको ये जो वर्ड चेन है वो कंप्लीट करना है, और वो वर्ड आने चाहिए लेसन के अंदर। तो म्यूजिक का लास्ट वर्ड सी है द कोर्टियर, डेज, सरप्राइज, इवनिंग। तो इवनिंग का सरप्राइज का लास्ट वर्ड ई है, तो ई से वर्ड स्टार्ट होगा। इवनिंग का जी है तो जी से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है। ओके अभी आप ग्रामर देख लीजिए। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये बताना, ये पांच सेंटेंसेस दिए हैं, इनके आपको टाइप्स ऑफ इनके सेंटेंसेस के टाइप बताने हैं। तो आंसर देख लीजिए पांचों का, राइट हैंड साइड में भी दिया, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर सिक्स, सेंटेंस नंबर सेवन और सेंटेंस नंबर एट और उनके आंसर। ओके दिखा आपको, वेरी गुड। तो अभी ये देख लीजिए आप, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव यूजिंग द नेगेटिव वर्ड गिवन। तो जो आपको नेगेटिव वर्ड इधर दिया है ब्रैकेट में क्वेश्चन के आगे, वो आपको यूज कर नेगेटिव बनाना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसका आंसर, फर्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन और उसका आंसर। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले, जितना आपको दिख रहा है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर है। अभी ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर है। ओके और अभी थर्ड देख लीजिए आप, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस अफर्मेटिव यूजिंग द गिवन वर्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आगे जो ब्रैकेट में वर्ड दिया उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर और फोर्थ भी आंसर। तो ये देख लीजिए आप, पूरा दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, क्लियरली। ओके अभी हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड, प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर ऑफ अबाउट फोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन फॉर म्यूजिक। तो ये देख लीजिए आप, उसका आंसर देख लीजिए। सेकंड है यूज द फ्रेज पुल्ड अप इन योर ओन सेंटेंस, इसका आंसर देख लीजिए आप। क्वेश्चन थ्री है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस का एरर बताना है और करेक्ट करना है, इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन फोर है फाइंड आउट फोर हिडन वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड गिवन। तो ये जो वर्ड डिस्प्ले है इसके अंदर से फोर वर्ड्स बनाने हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए आप। फिफ्थ क्वेश्चन है मेक अ पेयर ऑफ सेंटेंस टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मोहोग्राफ्स। तो इसका आंसर देख लीजिए आप। सेकेंड है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंदर एडवर्ब अंडरलाइन करना है, वो भी आप देख लीजिए। सेवन है फ्रेंड्स पिक आउट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। एट है रीराइट यूजिंग द वर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये अंडरलाइन वर्ड का आपको रीराइट यूजिंग द वर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओके तो इसका आंसर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नाइन है रीराइट यूजिंग द वर्ड नॉर्मली इन द सेंटेंस, तो सेंटेंस में आपको नॉर्मली वर्ड यूज करना है। तो ये देख लीजिए आंसर आपका। 10 है सी ऑल, 10 सी शी ऑल
शी सॉ ऑल हर प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक व्हाट शी वाज प्लेइंग. री राइट एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. तो ये सेंटेंस को आपको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. आंसर देख लीजिए आप. अभी हम राइटिंग स्किल वाला पार्ट ही कर लेते हैं. तो इमेजिन देयर इज अ बेस्ट प्लांट कॉम्पिटिशन इन द लोकेलिटी कॉलोनी वेर यू लिव. फ्रेम अ नोटिस अबाउट द सेम इन द फॉर्म ऑफ एन अट्रैक्टिव पोस्टर. कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो ये पॉइंट को कवर करके पोस्टर बनाना है. तो आप ये देख लीजिए पोस्टर डायरेक्टली. ये देख लीजिए इस तरह से आपका पोस्टर रहेगा. क्वेश्चन सेकंड है. इमेजिन दैट रेवती फादर इज अब्रॉड ऑन बिजनेस एंड शी विशेस टू कन्वे द न्यूज ऑफ हर प्राइज विनिंग प्लांट्स. ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर द अबाव सब्जेक्ट यूज एन ईमेल फॉर्मेट. तो आप देख लीजिए आंसर इसका ईमेल बना लिखना है आपको. यहाँ तक रहेगा और उसके आगे भी है कंटिन्यू. इस साइड ऊपर राइट हैंड साइड देख लीजिए ये भी कंटिन्यू ही है. ओके यहाँ से पूरा यहाँ तक रहेगा. ओके ईमेल वाला. अब ओरल टेस्ट देख लीजिए आप. ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. तो फ्रेंड्स ये वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने इस वाले वीडियो में आपको दे दिए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर.